दर्शन करने जा रहे हैं उसके श्राव को, तो श्राव अलग चीज है और रमेश अलग चीज है, ये जानते हो? हाँ हम जानते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। तो इसका मतलब जो चला गया वो कोई और है, आत्मा हो जीव हो कुछ कह दो, हाँ, तो वो जो चला गया वो तुम हो मैं हूं, ये क्यों भूल जाते? इसके भूलने का ही परिणाम है अपने को देह मान लिया, और जब देह माना तो देह की माँ, देह का बाप, देह की बीबी, देह का बेटा, इनको अपना मान लिया, और इंद्रियों के संसार के सामान से सुख मिलेगा ये मान लिया, और हो गई गड़बड़। अब संत महात्मा शास्त्र वेद भगवान स्वयं आके समझाते हैं, देखो भाई तुम गलती पर हो, जीरो में जीरो से गुणा करो वो भी जीरो आएगा, जीरो में एक करोड़ से गुणा करो तो भी जीरो आएगा, तो तुम संसार जाए कितने बड़ा इकट्ठा कर लो आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। और तुम एक अरब रुपए के गद्दा बना के उसके ऊपर लेट जाओ, इससे क्या होगा? कामनाएं तो नहीं जाएंगी, कामना हम लोग मंदिरों में जाते हैं, इतनी बड़ी मूर्खता हम लोगों में है, किसी भी मजहब वाले से पूछो तो भाई तुम्हारा भगवान सर्व व्यापक है, ने कहा तत् व्यापक है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, हा समाना सब जगह भगवान व्याप्त है, ये बात बाइबल भी कहती है, कुरान भी कहता है, वेद भी कहता है। मंदिर में कोई बदतमीजी करता है, ए मंदिर है, बाहर बदतमीजी कर सकते हैं जी, हाँ बाहर करो, मंदिर में भगवान रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं, अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी है, हाँ भूल गए, भूल गए, जितनी गड़बड़ी हम लोग पाप जिसे कहते हैं हम लोग करते हैं, उस समय भूल गए ना कि वो अंदर बैठे नोट कर रहे हैं, वरना पाप करने की हिम्मत कैसे होती? संसार में हम चोरी चोरी पाप करते हैं ना, कोई जाने ना, और ये भूल जाते हैं कि वो नोट कर रहा है, दंड देगा मरने के बाद, अरे देखा जाएगा मरने के बाद जो होगा देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा श्रीमान जी देखा क्या जाएगा? वो हमारे देश में जो भी गड़बड़ी है या सारी दुनिया में गड़बड़ी है, हमारे देश में साइकिलों की चोरी अधिक होती है, अमेरिका में कारों की चोरी अधिक होती है, होती सब जगह है, ऐसा नहीं है, अरे थोड़ा कम ज्यादा का अंतर मान लेते हैं, लेकिन उसमें अधर्म या धर्म कारण नहीं है। कारण है अपना
अच्छा काम करेगा और सबके हृदय में अच्छे आइडियाज हो जाए, सब अच्छे हो जाएंगे। तो धर्म का पालन भगवान से संबंध रखता है और भगवान का संबंध मन से हो तब मन शुद्ध हो। इसीलिए शास्त्रों वेदों ने भक्ति बताई है। कोई भी धर्म हो, भगवान की भक्ति मन को करना है। एक एक श्लोक में भरा पड़ा है, गीता भागवत सब जगह। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, अर्जुन मन मुझ में निरंतर रख सर्वेषु कालेषु। अयोध्या और सर्वेषु कालेषु कौन कहे, एक घंटा भी नहीं रखते मन को भगवान में, मां में, बाप में, बेटे में, बीवी में, पति में, धन में, इसी में लगाए हुए। तो शुद्ध कौन होगा, मन कैसे होगा? तो फिर करैक्टर वाले हम, चरित्र वाले हम कैसे बनेंगे? इसलिए हमारी साधना में गड़बड़ है, हम जीरो में गुणा कर रहे हैं। हम शरीर अपने को मान करके, भ्रम में पड़ करके संसार से सुख चाह रहे हैं, उसके लिए अनेक प्रकार की फितरत करते हैं। इसलिए भारत हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, गड़बड़ी है और तब तक रहेगी जब तक हमारा मन भगवान में न लगे, मन में भगवान न आवे और मन शुद्ध न हो।